और ये है सबसे महंगी थाली यहाँ पे। राम प्रसादम। फिलहाल अभी हूँ मैं श्री मोटूराम प्रसादम, श्री मोटूराम प्रसादम। काफ़ी फेमस यहाँ पे थाली मिलती है, बहुत सारी थाली यहाँ पे मिलती है। तो क्या ये जयपुर की सबसे महंगी थाली है? तो मैं थोड़ा सा आउटलेट का लुक आपको बता देता हूँ। छोटी सी स्पेस है, मैं बोल सकता हूँ लाइक 30-40 अराउंड, ये मेरा मानना है, कैलकुलेशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत सारी यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ थाली है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कितनी सारी थालीज़ है। मेनू की बात करूँ तो आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हो, श्री मोटू राम प्रसादम। और ये है सबसे महंगी थाली यहाँ पे, श्री छप्पन भोग, और इसकी प्राइस है 5100। प्रिपरेशन टाइम 45 मिनट लेता है। बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं दूसरी दिखाऊँ तो छोटी छोटी उसके बाद चलती जाएगी। ये है श्री महाप्रसादम, ये है श्री महावीर भोग, ये उसके नीचे श्री अय्यप्पम भोग, ये है श्री नाथ भोग, ये है श्री नानक भोग, श्री गोविंद भोग, ये है जयपुर थाली वीगन भोग, दाल बाटी भोग, ये है श्री वेंकटेश्वरम मारवाड़ी थाल, जोधपुरी थाली, ये है बीकानेरी थाली। जो ये जो साइन है ना, इसका मतलब ये इसमें ओनियन गार्लिक नहीं होगा। ये है भोजपुरी थाली, ये है फलहारी भोग 301। ओके, अभी ये मैं आपको मेंशन करता हूँ कि ये जो फलहारी भोग है उसमें लिखा है नो शेयरिंग, और ये क्या है श्री प्रसादम, ये 271, जिसमें भी लिखा है नो शेयरिंग। थाली जो है फलहारी भोग और श्री प्रसादम, ये दोनों छोड़ के आप दोनों बाकी थाली आप शेयरिंग कर सकते हो। बाकी की भी आप चाहते हो तो मिनी मिनी थाली है, जैसे ये है प्रसादम 261, प्रसादम 2, प्रसादम 3, प्रसादम 4, प्रसादम 5। अलग अलग आप अगर चाहते हो अलग से मंगवाना तो वो भी मंगवा सकते हो। जैसे थाली आती है मैं आपको बात करता हूँ कि मैंने कौन सी थाली मंगवाई है। इंटीरियर की बात करूँ, बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, बाहर से भी आपको इतना अच्छा वाइब मिलेगा, अंदर बहुत अच्छा वाइब है, कर सकते हो। और अगर ज़्यादा पर्सन है, मे बी 4, 5 और 6, 7, तो आप वो बड़ी वाली थाली जो मंगवा सकते हो, 5100 वाली, जो जयपुर की सबसे महंगी थाली ये है, या फिर इससे भी और महंगी थाली है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल थाली श्री गोविंद भोग। तो ये मे बी शायद मुझे साइन था, तो ये ओनियन गार्लिक बिना है जयपुरी थाली। फटाफट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है चावल, ये है छोले की सब्जी, ये है खीर, ये है बूंदी रायता, ये है बूंदी, ये है आलू की सब्जी, ये है फ्लावर की सब्जी, ये है कद्दू की सब्जी, आलू मटर, ये है पनीर की सब्जी, ये कुछ अचार, ये ग्रीन चटनी, ये है पापड़, ये है सलाद, ग्रीन सलाद भी ककुम्बर है, ये कुछ फरसान है, ये कुछ नमकीन फरसान है, रोटी गर्मा गर्म है, एक दो अंदर चार लिखे थी देखते हैं दो है, और साथ में ये चार पूरी है, और ये मुझे लगता है ठंडा ठंडा बटर मिल्क है। तो ये पूरी है थाली, जोधपुरी थाली। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये श्री गोविंद भोग मंगवाया है, इसका प्राइस है 471। ये है जयपुरी थाली, प्राइस उस हिसाब से क्वांटिटी तो अच्छी है, मतलब डेफिनेटली दो लोग अगर खाते हैं फिर भी आप अलग अलग मंगवाओगे तो इतना 500 के आसपास आपका बिल हो ही जाता है। तो इसमें मैं शेयरिंग कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खाना कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ये गर्मा गर्म जो पूड़ी आई है ना, तो मैं पूड़ी लेता हूँ, पूड़ी के साथ खाना पसंद करूँगा। ये चने की सब्ज़ी में खाता हूँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही माइल्ड टेस्ट है, नॉट स्पाइसी बिकॉज ऑफ द, इसमें जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें मेंशन है ओनियन और गार्लिक नहीं है। मैं रोटी के साथ पनीर की सब्ज़ी टेस्ट करता हूँ, प्योरली टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, इसमें ओनियन और गार्लिक नहीं है, तो वो ओनियन कटअप हो गया है, और उसमें टोमेटो की टैंगीनेस काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छा स्पाइसी है। सब्जी ऐसे ही टेस्ट करना चाहूँगा। ये है कद्दू की सब्ज़ी, जैसे मैनू में मेंशन किया था, हल्की सी स्वीटनेस है, हल्की सी बूंदी रायता, ये है बूंदी, आलू की सब्ज़ी और फ्लावर की सब्ज़ी, और ये तीखी वाली चटनी पूड़ी के साथ सबसे अच्छी जो बैलेंस आता है वो आलू की सब्ज़ी। जितनी बेसिक सब्ज़ी है ना आलू की पूड़ी के साथ, जो पहले की सब्ज़ी थी उसको मार दे दिया। ओवरऑल खाना तो अच्छा ही है, लेकिन ये पूड़ी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इंजॉय करता हूँ ये मील।
तब तक आप बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।